हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडुकोनर स्टडी में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, SSC आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकोना स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक GK के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जिसका आंसर औरंगजेब ने। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जिसका आंसर है सतलज नदी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? जिसका आंसर है जबलपुर शहर में। नेक्स्ट, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? जिसका आंसर है मिताली राज। नेक्स्ट, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जिसका आंसर है जातीय संसद। अगला क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है खड़गवासला में। करंट अफेयर का क्वेश्चन, तमिलनाडु में हाल ही में छोटी मीठे पानी की मछली पुटियंस सेंक्टस की एक नई प्रजाति खोजी गई, इस अध्ययन को प्रकाशित करने वाले जर्नल का नाम बताइए? तो आंसर है बायोसाइंस रिसर्च। जर्नल बायोसाइंस रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार BJM गवर्नमेंट कॉलेज चावड़ा केरल में जूलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर मैथ्यूज फिल्मुटिल ने तमिलनाडु के बेलंकन्नी में चांदी के रंग जैसी छोटी मीठे पानी की मछली पुटियंस सेंक्टस की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP वीरेंद्र कुमार सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध क्या थे? जिसका आंसर है राजनेता। MP वीरेंद्र कुमार केरल से राज्यसभा के सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल LJD के नेता, लेखक और पत्रकार। 83 साल की उम्र में केरल के कोझिकोड में कार्डियक फेल के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, CM है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो जिसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री CM अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की आयु में रायपुर में निधन हो गया। उनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। नवंबर 2000 में, जब छत्तीसगढ़ के नए राज्य मध्य प्रदेश से अजीत जोगी को सोनिया गांधी ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके और CM है भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन, संस्थानों के शोधकर्ताओं की टीम ने एक जीन की पहचान की है जो संभवतः किस फसल में उपज बढ़ाता है? जिसका आंसर है राइस। नई दिल्ली के बायोटेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च DBT NIPGR और ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक और विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने दिल्ली साउथ कैंपस ने धान जीनोम में एक ऐसे हिस्से की पहचान की है जिसके जरिए पैदावार बढ़ाने की संभावना है। नेक्स्ट, उस परिशोधन उपकरण का नाम बताएं जिससे COVID-19 प्रसार की जांच के लिए देवादी टेक इनोवेशन नाम के स्टार्टअप ने विकसित किया था? जिसका आंसर ल्यूमस। संक्रामक कोरोना वायरस COVID-19 को रोकने के लिए देवादी टेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप कंपनी जो चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मेकर विलेज कोच्ची में स्थित है। देवादी टेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है और डायरेक्टर है सुमित चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप का नाम किस खगोलविद के नाम पर रखा है? जिसका आंसर है
नैन्सी ग्रेस रोमन, नेशनल ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप के रूप में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपना वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप अगली पीढ़ी का स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। नासा के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, नौसेना डॉकयार्ड में किस नौसेना कमान ने परावैग्नि सैनिटाइजेशन भी स्थापित किया है, जिसका आंसर है पश्चिमी नौसेना कमान। भारतीय नौसेना ने मुंबई में नौसैनिक डॉकयार्ड में उपकरण, मास्क और कपड़े जैसी चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए एक परावैग्नि सैनिटाइजेशन बे की स्थापना की, जो पश्चिमी नौसेना कमान का एक हिस्सा है। इंडियन नेवी के हेड हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट, AI आधारित चैटबॉट का नाम बताइए, जिसे हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका आंसर है PAI। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCL ने रियल टाइम पर फास्टैग, रुपए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, आधार इन्वॉल्वमेंट सिस्टम जैसे अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित चैटबॉट PAI लॉन्च किया। इसे बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। NPCI का रजिस्टर्ड ऑपरेटर ऑफिस है, NPCL का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, जिसके MD एंड CEO हैं दिलीप आसवे। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में पॉकेट भत्ता के रूप में 30,000 रुपये जमा किए हैं, जिसका आंसर है भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण ने कुल 2749 खेलों इंडिया एथलीटों के खातों में प्रति खिलाड़ी के 30,000 रुपये जमा किए हैं, जो कुल राशि 8.25 करोड़ रुपए है। भत्ता 2020-21 की पहली तिमाही के लिए है। भारतीय खेल प्राधिकरण का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, जिसके महानिदेशक हैं संदीप मुकुंद प्रधान। प्रति खिलाड़ी को 30,000 रुपये दिए गए हैं अकाउंट में। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक के रूप में संदीप मुकुंद प्रधान का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसका आंसर है नई दिल्ली। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक DG संदीप मुकुंद प्रधान को 2 साल की अवधि के लिए विस्तार दिया गया है और 6 जून 2020 से लागू होगा। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2020 से थियरी डेलापोर्टे को विप्रो के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस कंपनी के COO हैं, जिसका आंसर है कैपेजेमिनी। विप्रो ने 6 जुलाई 2020 से प्रभावी नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक MD के रूप में कैपेजेमिनी के COO थियरी डेलापोर्टे को नियुक्त किया। वह 1 जून को अपने पद से हटने वाले आविदाली नीमसवाला से पद ग्रहण करेंगे। 5 जुलाई तक विप्रो के संचालन की निगरानी इसके अध्यक्ष रिशद प्रेमजी द्वारा की जाएगी। वह प्रेस में मौजूद रहेंगे और रिशद प्रेमजी को रिपोर्ट करेंगे। विप्रो के चेयरमैन हैं रिशद प्रेमजी, फाउंडर हैं अजीम प्रेमजी, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने डिजिटल धन प्रबंधन सेवाओं के लिए ज्यूरिख स्थित एवलोक के साथ साझेदारी की है, तो जिसका आंसर है इन्फोसिस। अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं और परामर्श में एक वैश्विक लीडर इन्फोसिस लिमिटेड ने स्विस कंपनी एवलोक के साथ साझेदारी की है, जो एंड टू एंड उत्पादों और सेवाओं को सॉफ्टवेयर के रूप में पेश करने के लिए कोर बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित और प्रदान करती है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, जिसके MD एंड CEO हैं सलील पारेख, और एवलोक का हेडक्वार्टर है फ्रेनबॉक स्विट्जरलैंड में, जिसके CEO हैं जुरक हंजीकर। नेक्स्ट, क्राइसेल के पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की
जीडीपी वृद्धि में संकुचन क्या होगा, कितनी कमी आएगी, जिसका आंसर है 5%। क्राइसिल की नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2021 में 5% तक बढ़ जाएगा। इस अनुमान के अनुसार 28 अप्रैल 2020 को 1.8% वृद्धि का अनुमान है, जो कि इसके 3.5% की वृद्धि के पूर्व अनुमान से है। फिच रेटिंग्स के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसके प्रेसिडेंट लॉन लिनेल हैं, और क्राइसिल का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं आशु सुयस। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने एसएमई के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क को कितने प्रतिशत कम करने के लिए घोषणा की, तो इसका आंसर है 25। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने घोषणा की कि वे लघु और मध्यम उद्यम कंपनियों के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क को 25% तक कम कर देंगे। यह अनुपालन लागत को कम करने के उनके प्रयासों का एक हिस्सा है। ये चरण एसएमई को पुनर्जीवित करने और हज़ारों एसएमई को सूचीकरण के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे। बीएसई का हेडक्वार्टर मुंबई में महाराष्ट्र में है, और एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान, और एनएसई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं विक्रम लिमाय। नेक्स्ट, उस राज्य का पता लगाएं जिसने लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नाम की योजना शुरू की है, तो जिसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तालाबंदी के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नाम की योजना शुरू की। आंसर ऑफ द लास्ट डे, फ्रेंड कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन इस प्रकार है, किस कंपनी ने टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने के लिए एम्स्टर्डम आधारित इटर्गो बीबी का अधिग्रहण किया है, तो जिसका सही आंसर था ओला इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन ऑफ द डे, तो फ्रेंड आज का क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर और कमेंट्स भी करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।